वन इज गोइंग टू से या आपको कोई नहीं बोलने वाला है। सो हे हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक है एंड खुश है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम टिप्स एंड टेक्निक्स टू क्रैक एंड केबिन क्रू इंटरव्यू। एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक एंड केबिन क्रू इंटरव्यू। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं केबिन क्रू के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So I'm going to share with you the three most important points or the three most important things that is required to clear a cabin crew interview. So yeah, let's start. So the first one is your confidence. Confidence is required everywhere. So if you're confident enough, then obviously you can crack any interview. So मुझे भी पता है कि हम लोग कोई भी इंटरव्यूज देने चाहते हैं तो वी ऑल गेट स्केयर्ड। हम सब लोग डर जाते हैं तो वो हम लोग के फेस पे आ जाता है दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट एनाफ। सो आपको क्या करना है कि इवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट जस्ट फेक योर कॉन्फिडेंट, जस्ट फेक इट। लोगों को ऐसा लगे कि यार लुक एट हर हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़। सो आपको मैं ये टेक्निक बोल रही हूँ ताकि आपको कोई हेल्प हो। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि डरने के बाद कि एचआर हम लोगों से क्या पूछ लेंगे, कि हम लोग वो आंसर नहीं कर पाए तो क्या हुआ। वी ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी पॉजिटिव। वी यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, ट्राई एंड गिव इंटरव्यूज अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। सो या लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सो द सेकेंड पॉइंट इज स्माइल। कीप ए स्माइल ऑन योर फेस व्हेन एवर यू आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज। और आप किसी से बात कर रहे हैं या इफ़ यू आर टॉकिंग टू एनी ऑफ द कैंडिडेट्स देन जस्ट कीप ए स्माइल ऑन योर फेस ताकि एचआर को लगे या दिस इज़ द एरिया आई एम लुकिंग फॉर। सो स्माइल ऐसी चीज़ है कि सबको अपनी तरफ लेता है। सो इंटरव्यूज जब भी आप देने जाए तो स्माइल लेके ही जाए घर से। कीप द स्माइल ऑन योर फेस इवन इफ यू आर सो टेंस्ड एंड सो स्ट्रेस फॉर द इंटरव्यूज, पर आपकी स्माइल रहनी चाहिए। जस्ट कीप दैट स्माइल ताकि एचआर को भी लगे कि हाँ पीपल विल बी कम्फर्टेबल अराउंड हर एंड शी इज़ द वन वी कैन सेलेक्ट। सो द थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज इन एविएशन इंडस्ट्री वी मीट अ लॉट्स ऑफ न्यू पीपल। हम लोग हमेशा नए नए लोगों से मिलते हैं एंड उनसे बात करते हैं। सो इंग्लिश एंड हिंदी इज़ मच रिक्वायर्ड। और अगर ये इंग्लिश एंड हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जस्ट टेक सम टॉपिक्स एंड ट्राई इन बोथ द लैंग्वेज, ट्राई प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, ट्राई स्पीकिंग। यदि वो भी नहीं हो रहा है देन जस्ट टॉक विथ समवन दे रियली लाइक योर एल्डर ब्रदर। यदि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, बहन है, उनसे उसी लैंग्वेज में बात करते रहिए देन इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। एंड यदि आपको लग रहा है कि आपका तब भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ वन थिंग। नो वन इज़ गोइंग टू से आपको कोई नहीं बोलने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है कि आप ये करके इंटरव्यू क्रैक कीजिए। बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि इससे भी हेल्प हो सकती है। सो द इजीएस्ट वे टू क्रैक एन इंटरव्यू इज़, सो आप लोग को पता ही है कि हर महीने इंडिगो या एयर इंडिया के इंटरव्यूज होते रहते हैं। सो महीने में दो या तीन बार एक प्लेस में तो वो आ ही जाते हैं इंटरव्यूज़। लाइक गुवाहाटी में भी महीने में वो लोग दो बार ऐसे आ जाते हैं, तीन बार, बिकॉज आई गेव माई इंटरव्यू फ्राम गुवाहाटी। सो आप लोग क्या कीजिए कि इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू और अपियर इन द इंटरव्यू इन दैट मंथ देन आप उस मंथ में किसी भी ब्लॉगर ने यदि अपलोड किया है उन लोग का केबिन क्रू का इंटरव्यूज़ देन उस वीडियोज़ में दिखिए। ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू अपलोड योर इंटरव्यू डिटेल्स, योर इंटरव्यू क्वेश्चन। सो क्या होता है कि एक महीने में ना जो लाइक इंडिगो के इंटरव्यू सीरीज इस महीने में अलग अलग प्लेस में हो रहा है, कॉमन क्वेश्चन इज टू कम फॉर दैट मंथ। इंडिगो यही क्वेश्चंस उस मंथ में अलग अलग प्लेस में पूछते हैं। ये मैंने देखा है इन माय टाइम्स व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे एंड उसमें वो क्वेश्चन कॉमन हो गए थे। सो आप हर एक
यूट्यूब वीडियोस देखे जहाँ भी लोग कह रहे हैं कि आज इस प्लेस में इंटरव्यू हुआ और उन लोग का क्वेश्चंस क्या था. इफ़ यू अप्लाइंग फॉर एयर इंडिया, लुक फॉर द एयर इंडिया वीडियोस और इंडिगो के देख रहे हैं, इंडिगो के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंडिगो के क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस महीने में, तो उस महीने के क्वेश्चंस आप लिख लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो क्या होगा कि उसमें से कोई ना कोई तो आपको कॉमन आ जाएगा. मैं अब ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉमन आ जाएगा, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. एंड मे बी यदि कॉमन हो गया देन या यू कैन क्रैक द इंटरव्यू. सो एंड दिस इज़ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू क्रैक एन इंटरव्यू विच नो वन इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट. सो मैं आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि कॉमन हो जाते हैं. एंड सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस दैट आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज, जो मतलब पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं एक या दो जन से हर एक इंटरव्यू में, तो ये एक या दो जन से पूछेंगे. सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एविएशन इंडस्ट्री. एविएशन इंडस्ट्री में आपको ज्वाइन क्यों करना है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. द सेकेंड वन इज व्हाई कैबिन क्रू जॉब. Why do you want to join as a cabin crew? Why do you want this job? The third one is your family. So these are the most common questions. So ये सब आप prepare कर लीजिए. These three questions are most simple and most common questions. So बाकी यदि GD के topics देंगे then you just prepare some GD topics. आपको कुछ idea आएंगे कि इसको बोलते कैसे. They will just give you one topic and आपको उसमें बोलना है. जस्ट से फ्लुएंटली, यदि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है उसके ऊपर, देन कोई और यदि उसके ऊपर बोल रहा है, देन जस्ट कैच द आइडियाज़ की वो टॉपिक किसके बारे में है. जस्ट देन मेक इट ऑन योर माइंड एंड जस्ट से. सो आप ट्राई कीजिए कि कोई भी टॉपिक दिए गए हो, ट्राई टू स्पीक फर्स्ट. आप पहले स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए उस टॉपिक को, देन यू विल गेट प्लस पॉइंट्स फॉर दैट. नेक्स्ट मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखना ही है. कोई भी इंटरव्यू के लिए आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है. सो दैट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और गिव मी योर इंट्रोडक्शन. आप एक सिंपल अच्छा वाला इंट्रोडक्शन बना के रखिए. सो आपका इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा या इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, जिसमें कि सिंपल एंड परफेक्ट. एंड दैट इंट्रोडक्शन विल हेल्प यू विथ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. आप एक ऐसा इंट्रोडक्शन बनाइए ताकि सब लोग इम्प्रेस भी हो एंड सब इंटरव्यूज में काम भी आए. सो अभी ये सब तो हो गया कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू. अभी बात करते हैं कि आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे. दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपियरिंग इन इंटरव्यू. आपका ग्रूमिंग, वो लोग इंटरव्यूज में आपको ग्रूमिंग से भी प्रोफाइल करते हैं कि हाउ शी विल बी. सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, फर्स्ट मेक ए क्लीन नीट पॉनीटेल और जस्ट मेक अ क्लीन हेयर स्टाइल. उसके बाद आप एक बन बना लीजिए, जस्ट मेक वन क्लीन बन एंड गो फॉर द इंटरव्यूज. डोंट मेक लाइक कर्ल्स, ओपन हेयर्स एंड गो फॉर द इंटरव्यूज. बी प्रोफेशनल, लुक प्रोफेशनल. सो द सेकेंड थिंग इज मेकअप. आप एक सिंपल मेकअप लुक करके जाइए, नॉट पुटिंग लॉट्स ऑफ ब्लशर्स एंड आई मेकअप. जस्ट अ सिंपल लुक. आप ऐसा भी नहीं कि मेकअप किए बिना ही चले गए. यू आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू, सो प्रोफेशनल होके जाइए. एंड देन द नेक्स्ट इज आप क्या पहन के जा रहे हैं. डोंट वेयर ड्रेस और एनी शॉर्ट्स और कुछ भी. Just wear formals and go for the interviews because you're not going for party or anything else. So आप लोग कोई dress या shorts या कुछ भी ऐसा पहन के मत जाए. Just wear formals. Formals कुछ भी पहन सकते हैं, जैसे कि before going to the interviews you can see that particular airline, वो लोग details में दे देते हैं कि क्या पहन के आना चाहिए. Like इंडिगो में लिखा होता है कि यू शुड वेयर वाइट शर्ट पहन के चाहिए जो आपके इतने तक आए. यू शुड बी अप टिल हियर एंड यू कैन वेयर वन स्कर्ट, ब्लैक स्कर्ट जो आपके नी लेंथ तक हो, और एल्स यू कैन वेयर
black formal pants and white shirt and one black blazer, which will look really professional. ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कुछ ड्रेस पहन के जा रहे हो एंड दे विल नॉट सिलेक्ट. यदि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, योर बिहेवियर इज़ नाइस एंड ग्रूमिंग इज गुड, दैन वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे इवन इफ यू आर वेयरिंग अ ड्रेस. ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स पहन के चले गए, दे विल ऑब्वियसली नॉट सिलेक्ट यू. सो आपका जो हो गया ग्रूमिंग एंड ऑल भी हो गया. Then let's come. What are the things required to appear for an interview? क्या क्या चाहिए होता है इंटरव्यू देने के लिए? So the things are, सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए. यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, just go and apply. And यदि आपने अप्लाई कर दिया एंड आपके पास वो पुलिस वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया, then you can appear for the interviews. आप बोल सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है. यदि आपका पासपोर्ट तब तक नहीं आया, then also you can appear for the interviews. So the next thing is 10th and 12th का आपका मार्कशीट तैयार करके लेके चाहिए. So these things are only required when you get selected. आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे then ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है. इसलिए अच्छा है कि आप पहले से ये सब लेके चाहिए. एंड आपका हो गया पासपोर्ट, देन 10th एंड 12th मार्कशीट हो गया, देन आधार, पान कार्ड, आधार कार्ड. So these are the only things that is required for an interview. So the next thing is the most important document required for an interview is your resume, or you can say CV or resume, anything. So आपका जो profile है वो आप उन लोगों को आपके resume के through ही बताएंगे कि आपने क्या pass किया है, आप का एज कितना है, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, व्हाट आर योर स्किल्स. तो ये सब आपके रिज्यूमे में होना चाहिए. मेक वन प्रॉपर एंड नाइस रिज्यूमे और सीवी जिसमें आपका पिक्चर भी हो. सो ये सब डिटेल्स आपको पता होंगे. देन ऑल्सो आई एम सेइंग यू इन डिटेल कि रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए. आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पासपोर्ट नंबर. यदि पासपोर्ट नहीं आए हैं, जस्ट write it, applied, then आपका resume भी हो गया. because आपका interviews जब आप देने जाएंगे, then at first they will take your resume, then they will start the interview. so resume is the most important thing, and then passport, the 10th and 12th mark sheet, आधार, pen, and the सारी important documents required. so आप ये सब prepare कर लीजिए. so अभी आते हैं next part में. So to appear and cabin crew interview, you should be 18 plus. आपको 18 साल होना चाहिए and 27 years से लो होना चाहिए. Your age should be between 18 to 27 years. यदि आप 27 से ऊपर है, then you can't appear for the interviews. So then next thing is your height and weight. So your height needs to be 155 centimeters. I mean the lady or the girl should be 155 centimeter above. And ladkon ke liye kuch alag hota hai. I don't know properly. I think it's 160 se start hota hai, I guess. Par Indigo mein sirf girls se liya jata hai. So I'm speaking about only the girls. 150 se your height should be more than 155 centimeter. यदि आपका उससे लो है एंड यू हैव ऑल द स्किल्स, दैन सॉरी यू विल नॉट बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू. सो आपका हाइट हो गया 155 सेंटीमीटर से अबव. एंड देन वेट. सो वेट जो होता है वो डिपेंड करता है आपका BMI. आपका हाइट जितना होगा, सो योर BMI शुड बी बिटवीन 18 टू 22 फॉर द लेडीज, फॉर द गर्ल्स. सो आपका जितना हाइट होगा उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए. लाइक इफ़ माई हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर, देन आई नीड टू बी 52 और 51 वेट, सो दैट माई BMI विल बी बिटवीन 18 टू 22. सो आपका BMI भी यदि परफेक्ट है, देन यू आर गुड टू गो. एंड द नेक्स्ट थिंग, सो सारे हमने बात कर लिए, ग्रूमिंग documents, then what are the criteria. So
अभी आते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ इंटरव्यू हो रहा है। आई ऑलरेडी मेड वन वीडियो स्पीकिंग अबाउट दिस डिटेल्स, उसमें भी मैंने एक लिंक किया था जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिगो का इंटरव्यू कहाँ कब कितने टाइम पे हो रहा है। सो आई विल अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी जिसमें आपको पता चलेगा, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा इंटरव्यू कब हो रहा है। यू कैन अप्लाई फॉर ग्राउंड स्टाफ और लीड कैबिन अटेंडेंट एंड कैबिन क्रूज। सो मैं आपको बता देती हूँ रिसेंटली कहाँ कहाँ इंटरव्यूज है एंड कौन से डेट पे है। सो 22 जून को मुंबई में कैबिन क्रू का इंटरव्यू आ रहा है, बेंगलुरु में भी है 22 को, बागडोगरा में भी है, इम्फॉल में भी 22 जून को है, एंड देन श्रीनगर में भी है, चेन्नई, कोलकाता को 23 जून को है। देन दिस आर थिंग्स यू कैन सी, आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो इंडिगो के इंटरव्यूज़ कब कब हो रहा है ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। लाइक गुवाहाटी में हो रहा है आपका 5 जुलाई को, अगेन गुवाहाटियंस को एनडीपीओ इंटरव्यूज़ 5 जुलाई को है कैबिन क्रू का इंटरव्यू। देन अगेन आपका 5 जुलाई को कैबिन क्रू का इंटरव्यू है। देन दिस मंथ बहुत इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, सो गो प्रिपेयर योर सेल्फ, गो एंड गिव इंटरव्यूज़। ऑब्वियसली यू हैव, इफ़ यू हैव वर्क सो हार्ड, आपने सब प्रिपेयर कर लिया है, इवन यू विल गेट सिलेक्टेड, जस्ट बी पॉजिटिव एंड डोंट बी नर्वस। एंड यदि आपसे क्लियर नहीं होता है देन यू जस्ट गेन द एक्सपीरियंस कि इस इंटरव्यू से मैंने क्या सीखा। सेकेंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम नहीं हुआ, फोर्थ टाइम नहीं हुआ, जस्ट गिव, जस्ट ट्राई अंटिल यू गेट सिलेक्टेड। क्योंकि मैंने देखा है, मेरी क्लास में भी मैंने देखा था, क्योंकि उसने बोला था शी गॉट सिलेक्टेड आफ्टर गिविंग 30 इंटरव्यूज। कैन यू इमेजिन हाउ हार्ड वर्किंग सी इज। सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, गो गिव इंटरव्यूज, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, अगेन नेक्स्ट टाइम, देन यू विल प्रोबेबली गेट सिलेक्टेड। आपके अंदर यदि वो होता है कि हाँ मुझे करना है, आई विल वर्क हार्ड, देन आई एम सेइंग आप सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड इट्स नॉट दैट हार्ड, कैबिन क्रू इंटरव्यू इतना हार्ड भी नहीं होता है जैसे कि लोग बोलते हैं। जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट। सो विथ ऑल दिस थिंग्स आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय। Thank you.